दर्द है क्या कीजिए, माने न मनाऊं मैं कैसे ये बताऊं मैं, टूटी हुई किस्मत है क्या कीजिए। प्रेम है फूलों का सर पे सहरा सजे, खुशियों का बैंड ये अपने लिए भी बजे। ना मिले लाखों जतन कर देखे फिरता रहा दिल लेके, लेकिन जुड़े ना सिलसिले। छोड़िए और ना टेंशन लीजिए, कर लिया सब तो फिर अब दुआ कीजिए। बिरयानी बनाने की तरकीब। जीरा, सूखा धनिया, जायफल, जावित्री, लौंग। लौंग नाम तो लौंग है, लेकिन साइज में कितनी शॉर्ट है। अच्छा जी, अब है इसमें दही। सही, बहादुर के अब्बा आप मुझे क्यों अकेला छोड़ के चले गए। चले माना कि आपकी तो उम्र हो गई थी, लेकिन मुझे भरी जवानी में छोड़ दिया। मैं तो अकेली रह गई ना इस दुनिया में। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आप हर वक्त कहते रहते थे कि रोशन, तुम चांद की तरह रोशन हो, चमकती रहती हो। मैं आपकी ये बातें कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। आज ये कौवा क्यों इतनी काय काय कर रहा है? लगता है कोई मेहमान आने वाला है। मैं भी थोड़ा तैयार हो जाऊं। बहादुर जरा दही पास कर दे। बचाओ! दही पास करने तो बोला है, इतना खौफजदा होने की क्या बात है? कहीं ना करंट तो नहीं लग गया? अरे बहादुर! बचाओ बचाओ शाजिया, शाजिया बचाओ! शाजिया कहाँ रह गई हो? अरे ए शाजिया, गई शाजिया छुछुंदर। माना मैं छुछुंदर जैसी लगती हूँ? खबरदार मुझे छुछुंदर नहीं बोला। शाजिया मैंने तुम्हें छुछुंदर नहीं कहा यार। फिर किसको बोला? मैंने छुछुंदर को छुछुंदर कहा। हाँ फिर ठीक है, एक बात बताएं। हाँ पूछो। ये छुछुंदर है कहाँ? वो तुम्हारे पैर के पास। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही डरा था। नहीं खैर ऐसी बात नहीं, आप तो ऐसे चिल्लाते जैसे डायनासोर आ गया हो घर में। शाजिया तुम सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? क्या मैं कुछ नहीं करती? अभी किचन में बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही थी। अरे मेरा मतलब इस छुछुंदर का कुछ क्यों नहीं करती? हाँ नहीं नहीं मैं करती हूँ कुछ। आप अंदर जाए, मैं से निपटती हूँ। मैं जाऊँ? हाँ 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 जाए। छुछुंदर को मार दोगी ना? हाँ हाँ। अरे बहादुर बने जाए। अच्छा मैं जा रहा हूँ। अरे थोड़े बहादुर बने जाए। शाजिया जान से मार देना इसको। जाए 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 जाए। अरे हाँ कहाँ है ये मर्द का बच्चा? तो बाहर निकल। इधर है इधर है।
किधर है? आ राजा, अल्लाह डर लग रहा है, अल्लाह। अम्मी, शुक्र है बच गया। यकीनन बीवी से बच के भागा होगा। लानत है ऐसी शादी पर और लानत है ऐसे मर्दों पर जो बीवियों से डरते फिरे। अम्मी, मैं छिछुंदर से डर रहा था। हाँ, मैं भी तो शाजिया की बात कर रही हूँ। अम्मी, बहुत बुरी बात है शाजिया की बात करना। नहीं, किसी इंसान को छिछुंदर कहना। मैं तो शाजिया को इंसान ही नहीं समझती। है? फिर क्या समझती है? चुड़ैल, चुड़ैल। अरे वो जादूगरनी तो है जिसने जादू करके तुमसे शादी कर ली। जादूगरनी और चुड़ैल है बस। अम्मी ऐसा तो ना बोले, इतनी अच्छी लड़की है शाजिया। अच्छा सिर्फ वो इंसान होता है जो इंतकाल कर चुका होता है, और शाजिया जैसे लोग तो बहुत खबीस बेकार होते हैं। अम्मी बात छिछुंदर से शुरू हुई थी और आप कहां से कहां ले गई? छिछुंदर को? अरे नहीं, बात को। अरे है कहां छिछुंदर? वहां बाहर टेरेस में। अच्छा चलो चलो, मुझे भी दिखाओ, मैं भी तो जरा शाजिया के रिश्तेदारों से मिलूं। अम्मी छिछुंदर की बात है, कोई मोहल्ले में कुर्बानी का जानवर नहीं है क्या आप बोल रही हैं? चलो चलो चल के देख। अरे चलो ना, तुमसे बड़ा कोई बच्चा होगा। चलो चलो आ जाना, जाए जाए पहले जाए, मैं तो नहीं जा रहा पहले। या अल्लाह, ये छिछुंदर से तो मुझे भी डर लगने लगा। शाजिया क्या हुआ छिछुंदर? बहादुर छिछुंदर भाग गया। अरे बहादुर होता तो कभी नहीं भागता, बुजदिल था इसलिए भाग गया। अरे अम्मी वो मुझे बहादुर कह रही है। हालांकि तुम बिल्कुल बहादुर नहीं हो। किसने कहा? नाम है मेरा बहादुर। सिर्फ नाम से ही बहादुर हो बस। कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। ये कॉमन क्या क्या होता है? वही जो आजकल कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलता। 500 का खुला? अरे वो तो किसी पेट्रोल पंप पे भी मिल जाता है। अरे तो फिर ये क्या बोल रही है मुझे बताओ तो। कॉमन सेंस अम्मी, कॉमन सेंस मतलब अकल। अच्छा अच्छा अकल, ये तो मुझे मालूम है, ये कौन सी नई बात है। तो मालूम है तो पूछा क्यों? वो बस दिमाग से खिसक गया। एक बात बताएं, ये आप इतना तैयार किस खुशी में हुई है? अच्छी लग रही हूँ ना? वो असल में ना सुबह से कौवा बोल रहा था। कि आप तैयार हो? नहीं नहीं, वो काए काए कर रहा था, काए काए काए। अरे तो अम्मी कौवा तो काए काए बोलेगा ना, आपको गालिब का शेर थोड़ी सुनाएगा। अरे बेवकूफ, जब किसी के घर की छत पे कोई कौवा बोलता है तो उसका मतलब है कि उस घर में मेहमान आने वाला है, तो इसलिए मैंने मेहमान के आने से पहले ही जरा तैयारी कर ली। आप बैठ के मेहमानों का इंतजार करें, मैं जा रही हूँ किचन में, मुझे बहुत काम है। अरे सुनो, शोरबा ज्यादा रखना, हो सकता है मेहमान को भी खाना खिलाना पड़ जाए। या मुझे ये बताएं, आपको ये बातें कौन बताता है? कहाँ से सुनती हैं ये बातें? कौवा आ रहा है, मेहमान आने वाला है, काए काए। अरे चल मुझे छिछुंदर दिखा। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं दिखा रहा छिछुंदर, आपको बहुत शौक है, आप खुद जाके देख ले। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बीवी के साथ रहते हुए भी छिछुंदर? मेरी जान चली जाए, मैं नहीं जाऊंगा। हाय हाय, कहां से ये बुजदिल बेटा पैदा किया मैंने, कभी बीवी से डरता है कभी छिछुंदर से डरता है। नाम बहादुर का खामोखा रख दिया मैंने इसका। अरे भाईजान। हेलो। हाँ छुटकी, गुड्डू बोल रहा हूँ। हाय अल्लाह, मेरे भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ईमान से? नहीं नहीं, रिक्शे से। क्या मतलब? अरे मतलब मैं हैदराबाद से कराची आ गया हूँ, बस स्टैंड से तुम्हारे पास रिक्शे में आ रहा हूँ। अच्छा, वैसे खैरियत है, इतना अचानक कैसे आ गए? अरे मैंने सोच लिया मैं अब नौकरी करूँगा। मेरे घर में? अरे नहीं भाई, तुम्हारे शहर में। ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आप जल्दी से आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ। आ रहा हूँ मैं। ओके भाई। ओके, अल्लाह हाफिज़। भाई अल्लाह, भाई जान आ रहे। बहादुर मैं इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, मेरे भाई जान आ रहे हैं। अरे बस कर जाओ शाजिया, तुम तो ऐसे खुश हो रही है जैसे तुम्हारा भाई नहीं ब्रैड पिट की एंट्री हुई उस ड्रामे में। तो क्या आपको खुशी नहीं हुई? अरे किस बात की खुशी? मेरे भाईजान के आने की और किस बात की खुशी? तुम्हारे भाई की दुनिया में आने की खुशी तुम्हारे माँ बाप को नहीं हुई, मुझे क्यों होगी? क्या मतलब? अरे मतलब ये कि साले बहनोई का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। कैसा है? जैसा टॉम एंड जेरी का। टॉम एंड जेरी? मैं समझी नहीं। अरे समझने के लिए दिमाग की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास है ही नहीं। क्या मतलब? मेरी माँ। माँ नहीं हूँ मैं, बीवी हूँ आपकी, अब समझाएं। अरे इतनी सी बात तुम्हारे समझ क्यों नहीं आ रही?
टॉम एंड जेरी, ये तो बच्चे भी समझ जाएंगे यार। टॉम एंड जेरी मतलब चूहे बिल्ली का खेल। मैं अभी नहीं समझी। तुम्हें समझाने के लिए मुझे खुद समझना पड़ेगा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, और ये समझने के लिए मैं जा रहा हूं। अरे ये क्या कह के गए, मैं अभी नहीं समझी। अरे बहादुर, अरे आ रही हूं, क्या कुत्ते पीछे पड़ गए? अरे भाईजान आप आ गए? नहीं अभी आऊंगा। क्या मतलब? अरे जाहिर सी बात है भाई, आ गया हूं। पर आप थोड़ा जल्दी नहीं आ गए? अरे जल्दी कहाँ, आधी एपिसोड तो निकल गई है। ओ हाँ, अच्छा आया है। आई आई, एक सेकंड। अरे बैग। अच्छा ठीक है। बहादुर, 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 ये देखिए कौन आ है। क्यों तुम्हें नजर नहीं आ रहा? आ रहा है। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही कौन है? अस्सलाम वालेकुम बहादुर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं वैसे ही हैंडसम और खूबसूरत। हाँ भाई सही बात है, झूठ किसी की मीरास थोड़ी है, कोई भी बोल सकता है। क्या कहा? अरे मजाक कर रहा हूँ बहादुर भाई। वैसे गुड्डू एक बात कहूँ? जी जी कहिए। वैसे बुरा मत मानना, लेकिन पहली फुर्सत में ना अपना नाम बदल लो। वो क्यों? क्योंकि ये गुड्डू इतना प्यारा मासूम भोला भाला सा नाम है, तुम पे बिल्कुल नहीं रचता। नॉटी बॉय। अरे कुछ तो ख्याल करें, अभी अभी आए मेरे भाईजान। हाँ हाँ ख्याल करता हूँ ना। देखो गुड्डू आ तो गए हो, लेकिन रात का खाना खाए बगैर मत जाना यहाँ से। अरे आप फिक्र मत करें बहादुर भाई, अब तो आने वाली कई रातों का खाना मैं इधर ही खाऊंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि एसी के बगैर मुझे रहने की आदत नहीं है। अब जल्दी से बताएं कि सबसे अच्छा एसी किस कमरे में है। वो आगे वाले जो कमरा है ना, उसमें है। वेरी गुड। बस तो फिर मैं जा रहा हूँ। एक काम करो छुटकी, रात के खाने में जबरदस्त सी बकरे की कढ़ाई बना लो। बिल्कुल ठीक है। अरे बकरे की क्यों, तुम्हारे लिए हम हिरन की कढ़ाई बनाएंगे। मजाक करने की आदत है उनकी। आए चले मैं आपको कमरा दिखाऊं, आ जाए। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती आओ मेरी गोद में बैठ। आइए भाईजान आइए, अब जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती ना, आप सुकून से यहाँ रह सकते हैं। हाँ कमरा तो छोटा है, लेकिन मैनेज कर लूंगा। हाँ? मेरे कहने का मतलब है कि छोटी तुम इंसिस्ट कर रही हो तभी यहाँ रुक रहा हूँ, वरना हम तो बहन के घर का पानी भी नहीं पीते, सिर्फ खाना खाते। ये फिल्मी बातें तो होती रहेंगी। आप जल्दी से मुंह हाथ धो लें, फिर मैं आपको मम्मी से मिलाती हूं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है? हाँ। अरे गुड्डू नौकरी मिले ना मिले, रहने का तो बहुत जबरदस्त बंदोबस्त हो गया, एक एक करके पूरी जायदाद हड़प जाऊंगा। फ्रेश होना है। हाँ क्या, जब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी वो यही रहेगा? हाँ मैंने तो कहा था कि नौकरी मिलने के बाद भी यही रहे, पर मेरा भाई बहुत खुददार है, उन्होंने कहा जैसी नौकरी मिल जाएगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। शाजिया वो अम्मी इस बात की इजाजत नहीं देंगी ना कि वो हमसे अलग रहे? नहीं कि वो हमारे साथ रहे। अब अम्मी को समझाना तो आपका काम है। अम्मी को? हाँ मैं अभी जाके समझा कर आता हूँ अम्मी को। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हाय अल्लाह, भाईजान हमारे साथ रहे तो कितना मजा आए ना। अल्लाह करिए ये काम करिए। अम्मी। अरे क्या हो गया? आपको कसम है। किस बात की? आपने इस निकम्मे नकारा को एक सेकंड भी घर में नहीं टिकने देना है। अरे मेरा बस चले तो गुड्डू के साथ साथ शाजिया को भी इस घर से निकाल बाहर करूं। शाजिया को क्यों? क्योंकि उसे किसी बात की तमीज ही नहीं, ना उठने की ना बैठने की। हर दूसरे दिन उसका कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाता है, और अब देख उसका भाई यहाँ रहने आ रहा है। अम्मी शाजिया तो घर की फर्द है ना, आप बस उसके भाई गुड्डू का कुछ करें, कुछ ऐसा करें कि उसको यहाँ से भगा दें। गुड्डू है? उसके भाई का नाम गुड्डू है? हाँ। बहुत ही छिचोरा नाम है। जितना छिचोरा नाम है ना, उससे ज्यादा छिचोरे उसके काम है। मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, तुम खुद क्यों नहीं कुछ करते, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? अम्मी मेरी रिश्तेदारी लगती है ना, मैं नहीं कर सकता, लिहाज करना पड़ता है। सदके जाऊं अपने बच्चे पे, सदके जाऊं, बिल्कुल मेरे ऊपर गया, मैं भी तो लिहाज में मारी जाती हूँ। अब देखो तुम्हारी बीवी को भी तो बर्दाश्त कर रही हूँ। अम्मी शाजिया को छोड़े, आप इस गुड्डू का कुछ करें। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, अपने बेटे के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। जी जी अम्मी, भाई पहुंच गए। हाँ हाँ फिकर मत करें। हाँ शाजिया। अम्मी मैं बाद में बात करती हूँ।
अपने भाई को बता दो कि ये हमारा घर है, कोई मेहमान खाना नहीं है। ये बात तो उनको पता है। पता है, लेकिन उसे ये कह देना कि रात को खाना खाने के बाद यहाँ से 9:00-11:00 हो जाए, मतलब चला जाए यहाँ से। अम्मी कुछ दिन की तो बात है। चलो हटो यहाँ से, हमने तुम्हारे रिश्तेदारों का ठेका नहीं उठा रखा। अम्मी मेरे भाई इतने बड़े शहर में कहाँ जाएंगे। मेरी भला से कहीं भी टेंट लगा के रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मैं अपने घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगी। बहादुर, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। अरे मैंने क्या कर दिया? आप जो तंदूर से रोटियां लाते वो मुफ्त की होती है। किसने कह दिया मुफ्त की होती है? 10 रुपए की एक मिलती है, अब तो 12 की हो गई है, कुछ दिनों बाद 14 की भी हो जाएगी। अरे चुप करो तुम। हाँ सुनो, मेरे साथ ये ड्रामे खेलने की जरूरत नहीं है, बात घुमाने की कोशिश नहीं करो। देखो मैंने जो कहा है ना वही करो, अपने भाई को यहाँ से रवाना करो वरना मैं धक्के दे के निकालूंगी। ड्रामे कर रही हो मेरे साथ? तंदूर से रोटियां क्यों नहीं समझाते आप इनको? अम्मी को? हाँ मैं अभी जाके समझा कर आता हूँ अम्मी को। हाँ अम्मी। हाँ नहीं 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 कुछ नहीं, वो बहादुर थे। हाँ 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 सब खैरियत है, सब खैरियत, सब ठीक है। क्या समझती है अपने आप को? अरे जिस स्कूल में पढ़ती है मैं वहाँ की प्रिंसिपल हूँ, मुझसे एक्टिंग करेगी। अरे भाई वेल डन अम्मी, वेल डन, बस यही परफॉर्मेंस चाहिए ताकि वो गुड्डू का बच्चा यहाँ से जल्द दफा हो जाए। अरे अपनी माँ को हल्का मत ले, हल्का। तो मैंने एक्टिंग नहीं की, नहीं तो अभी तक बहुत बड़ी हीरोइन बन चुकी होती मैं। देखते जाना किस तरह इन सांपों को घर से निकाल के बाहर करती। अरे तुम्हारी मेहनत की कमाई पे मैं मुफ्त करो को बनने दूंगी, कभी नहीं। सांप नहीं अम्मी, अजदहे हैं, अजदहे ये। बिल्कुल अजदहे हैं, चमके लगी रहे। अरे अभी तो शुरू हुई है मेरी पर। वही 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 जो तुम कह रहे थे, देखते जाना अभी क्या करते हो। अब आएगा ना मजा खेल में। बस यही एक परेशानी है। क्या उनका मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा? ठीक है छुटकी, मैं आज यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप उनकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लें। ओके छुटकी, फिर मैं यहाँ रुक जाता हूँ। और एक बात मैं आपको और बता दूँ अपनी सास की, उनको हार सिंघार का ना खप्त है, और अगर उनको कोई कम उम्र बोल देता है ना वो बहुत खुश हो जाती है, और अगर अधेड़ उम्र बोल देता है ना तो उसकी जान की दुश्मन बन जाती है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं बस अभी आया। आजे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लो ये तो तुम्हें अंदर आने से पहले पूछना चाहिए था। अरे ये आपके शोहर थे? तुम्हें कोई एतराज है? नहीं नहीं मैं तो बस ये कह रहा था कि मरहूम बहुत ही खुशकिस्मत इंसान थे। क्या मतलब? मतलब ये कि जिनकी शादी एक खूबसूरत जहीन और कम उम्र लड़की से हो वो खुशकिस्मत ही हुए ना। अरे अरे गुड्डू तुम खड़े क्यों, बैठो ना। जी नहीं नहीं ऐसा ना, मैं इनके साथ बैठूं तो ये मुझे अपने पास बुला ले। शुक्रिया। आज तो तुमने बहादुर के अब्बा की याद दिला दी। अच्छा जो बातें आज तुमने मेरे मुतालिक कही है, बहादुर के अब्बा भी यही कहते रहते। अल्लाह माफ करे। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है कि अल्लाह माफ करे, आज के लोगों को ऐसे लोगों की कदर ही कहाँ है। ये तो तुम बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, जो बात है। अच्छा गुड्डू एक बात मुझे सच सच बताना, तुमने जो कहा है कि मैं कम उम्र लगती हूँ तो क्या लगती हूँ? आंटी झूठ मैं बोलता नहीं हूँ और सच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब मैं सच बताऊँ तो आप तो बहादुर भाई की अम्मी लगते ही नहीं। तो क्या लगती हूँ? बहन, वो भी छोटी। अरे गुड्डू, अरे गुड्डू तुम कितने प्यारे हो, कितना सच बोलते हो। यकीन जानो हर कोई मुझे यही कहता है कि मैं बहादुर की छोटी बहन लगती हूँ। आंटी आपको बहुत मिस करूंगा मैं। हैं? मुझे क्यों मिस करोगे, मैं कौन सा मरने वाली हूँ? नहीं वो छुटकी ने बताया कि आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, आज रात के तीसरे पहर में घर छोड़कर चला जाऊं। रुलाओगे क्या मुझे? बस तुम कहीं नहीं जा रहे ये घर छोड़ के। क्या मतलब? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मतलब समझाती हूँ। जी जी आओ मेरे पीछे पीछे आओ गुड्डू, आओ। आप क्यों नहीं रहे? अरे चलो चलो इधर आओ, इधर आओ। अरे अरे अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? तैमनी गुड्डू को घर से बाहर निकाल रही हैं। बस मैंने फैसला कर लिया। आप मना करें ना। मैं कुछ नहीं कर सकता, मम्मी ने फैसला कर लिया। गुड्डू आज से इसी घर में रहेगा। है ये क्या कह रही हैं आप? एक बार में सुनाई नहीं देता, कान खोल के सुन लो, ये मेरा आखिरी फैसला है,
कि गुड्डू को इस घर से कोई नहीं निकालेगा, समझे तुम? बहादुर आप कितने अच्छे हैं ना, आपने अम्मी को बना लिया है? हाँ,